दलित वोट का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और अब बीजेपी दलित सम्मेलनों के जरिए अनुसूचित वर्ग को आकर्षित करने में जुटी हुई है और इसकी शुरुआत हापुड़ से कर दी गई है। दलित वोट के लिए बीजेपी का प्लान, अपने दलित चेहरों को आगे करेगी पार्टी। बीएसपी के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर, सम्मेलनों के जरिए वोट साधने की कोशिश। 2021 में दिल्ली की कुर्सी पाने के लिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दलित वोट का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यूपी में बीएसपी और मायावती के वोट बैंक माने जाने वाले दलित वोटों में पिछले दो चुनाव में सेंधमारी कर चुकी बीजेपी अब दलित वोटों को अपने पाले में बनाए रखना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने अपने दलित नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। आइए आप बताते हैं कि कब कहां होंगे दलित सम्मेलन। 17 अक्टूबर को हापुड़, 19 अक्टूबर को अलीगढ़, 28 अक्टूबर को कानपुर, 30 अक्टूबर को प्रयागराज, 2 नवंबर को लखनऊ, 3 नवंबर को गोरखपुर। इन सम्मेलनों की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सांसद ब्रजलाल और एलएलसी लालजी निर्मल को दी गई है, जबकि समन्वय की जिम्मेदारी अवध उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर को दी गई है। इसके साथ ही मंत्री बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, गुलाब देवी जैसे मंत्री सम्मेलन में सक्रिय रहेंगे। इसी कड़ी में आज बीजेपी की ओर से हापुड़ में दलित सम्मेलन की शुरुआत हुई। हापुड़ में सीएम योगी ने 136 करोड़ की 102 योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ भी सभी वर्गों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरण में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के, आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मकान मिलेगा अनुसूचित जाति को 100% सिक्योरेट करने के लिए, आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए। याद करता हूं बंटांगिया समूह, मुसरा समूह, थारू समूह, ऐसे समूह जो विकास की राह में पीछे छूट रहे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए माननीय योगी जी ने जो कार्य किया उसका परिणाम यह है कि आज ऐसे समाज के गांव में जहां पे पहले एक भी पक्का घर नहीं हुआ था, आज सबको पक्के घर मिल गए हैं और सबके आवास मजबूत हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जितने यहाँ अनुसूचित वर्ग बैठा हुआ है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से घर का मुखिया, घर का अभिभावक आपकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया की हैसियत से आपकी सहायता कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की यह रणनीति है कि अनुसूचित वर्ग में इस बात का संदेश दिया जाए कि बीजेपी ने ही इस वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया है। इन सम्मेलनों में खास तौर पर इस बात पर जोर रहेगा कि मोदी और योगी सरकार की योजनाओं से अनुसूचित वर्ग को लाभ मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सम्मेलन का क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।